हम एवरेज 7 घंटे अपने स्क्रीन के सामने स्पेंड करते हैं और करीब 8,500 बार अपने फोन को टच करते हैं सिर्फ एक दिन में। क्या आप भी इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपना टाइम, एनर्जी और फोकस करने की ताकत खो बैठे हो? चलो फाइंड आउट करते हैं। फोन दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन पर दिन बेवकूफ। टेक्नोलॉजी हमारा बेस्ट फ्रेंड या वर्स्ट एनिमी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सुबह आँख खोलने के बाद हम हर एक सेकंड अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड करते रहते हैं। हमारे पास शांत रहने का, नेचर को देखने का, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का वक्त ही नहीं है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है और इसका सोल्यूशन है क्या, देखते हैं इस वीडियो में। तो ब्रायन ट्रेसी जो कि एक ऑथर है, वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं। एक बार वो एक लंच पे गए थे जहाँ बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स आए हुए थे। तो लंच करने से पहले सबने प्रेयर किया। फिर ऑथर क्या देखते हैं, 4-5 लोग उस प्रेयर से कुछ ज्यादा ही इफेक्ट हो गए हैं। खाना सर्व किया जा रहा है पर फिर भी वो लोग अपना हाथ और मुंह नीचे की तरफ करके कोई डीप थिंकिंग में खोए हुए हैं। थोड़ी देर बाद ऑथर को पता चला कि वो कुछ सोच नहीं रहे थे। लोग जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं, वैसे ही वो सब अपने ईमेल्स को रिसीव और सेंड करने में बिजी थे। ऑथर बोलते हैं वो सब एक टेक्नोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए थे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम सोने से एग्जैक्ट पहले कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो हमारे डेलाइट हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी सीधी लैंग्वेज में आपको जल्दी नींद आएगी ही नहीं। और अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहा तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे इम्यून सिस्टम का वीक होना, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड अपनी फुल पोटेंशियल पे काम ना कर पाना एक्सेट्रा। स्वीडन के एक प्रोफेसर है लेनार्ड हार्डल, वो बताते हैं कि फोन्स को हमें बिना जरूरत अपने पास नहीं रखना चाहिए। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग हैवी मोबाइल यूजेस की वजह से टीनएजर्स में एडल्ट्स के मुकाबले ब्रेन कैंसर होने के चांसेस 4 से 5 गुना ज्यादा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो रिसर्च का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। जॉन स्टीवनसन जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि लोग उनके पास आके एडमिट करते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले वो अपना मोबाइल चेक करते हैं, और कुछ महान लोग तो बीच रात में उठकर भी ये काम करने लगते हैं। शॉन बोलते हैं कि ऐसा करना हमारी स्लीप और बॉडी के लिए जानबूझकर क्रिमिनल ऑफेंस करने के बराबर है। अपने दिन की शुरुआत फोन के नोटिफिकेशन चेक करके करना, मतलब इमीडिएटली किसी और के प्रायोरिटी को खुद का बना देना, और रात में अपने मोबाइल को गुड नाइट बोलकर सोना फेलियर को अपने लाइफ में इन्विटेशन देने के बराबर है। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, इन सब चीजों से फेमिलियर हुए हमें कुछ 20 साल हुए होंगे। लाखों सालों की एवोल्यूशन वर्सेस 20 सालों की ये टेक्नोलॉजिकल दुनिया, इतनी जल्दी हम इन सब चीजों को अडेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए आज ये एक एडिक्शन का फॉर्म बन चुका है। हमें आदत पड़ चुकी है हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करने की, नोटिफिकेशन देखने की, ये इंश्योर करने के लिए कि हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। अगर आप अपने मोबाइल और लैपटॉप के टच में नहीं भी रहोगे तो भी ये दुनिया चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स सॉल्व होते रहेंगे, आंसर्स मिलते रहेंगे। नो डाउट आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इंक्लूडिंग AI, वो बहुत ही अमेजिंग है और हमें स्मार्टली इसका यूज करना चाहिए। हमें बस अपने बॉडी और माइंड को अपने फोन से ज्यादा इज्जत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम आज इसको संभाल नहीं पा रहे तो जब AI हमारी लाइफ में पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा तब कैसे संभालेंगे। ऑलराइट, अभी तक की सारी बातें सुनने वाली चीजें थी, लेकिन आगे की करने वाली चीजें हैं, क्योंकि अब बारी है सॉल्यूशंस की। नंबर 1, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना। जरूरी ऐप्स को छोड़कर सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दो। एंड्रॉयड में डिजिटल वेलबींग और iOS में स्क्रीन टाइम नाम के ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे जाओ, देखो कौन सा ऐप आपका सबसे ज़्यादा टाइम खा रहा है, उस पर टाइम लिमिट लगा दो। अगर आपको हायर वैल्यू वाले काम खत्म करने हैं तो लोअर वैल्यू वाले काम को छोड़ने ही पड़ेंगे। नंबर 2, स्टॉप बीइंग अप टू डेट। हाँ, मैं वही सड़ी गली न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। अगर कोई न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट होगी तो कोई और अपना टाइम स्पेंड करके वो आपको बता ही देगा। समवन ऑलवेज कीप यू अप टू डेट। नंबर 3, अलार्म क्लॉक। हमारे मोबाइल ने काफ़ी सारे यूजफुल डिवाइसेस को रिप्लेस किया है, उनमें से एक है अलार्म क्लॉक। हमें दोबारा इसको अपनी जिंदगी में लाना होगा, वरना फोन में अलार्म बंद करने के चक्कर में 10-12 एप्लीकेशन ऑन हो जाते हैं। नंबर 4, बेडरूम मीन्स स्लीप। हम में से ज्यादातर लोग अपने बेडरूम को इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बना के रखते हैं। हमारा वर्क स्पेस और सोने की जगह अलग होनी चाहिए, तभी नींद और काम अच्छे से कंप्लीट होंगे, बिकॉज योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। नंबर 5, रीडिंग एंड टॉकिंग। सोने से पहले फोन यूज करने के बजाय आप बुक्स पढ़ सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ बातें कर सकते हो। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास फ्रेंड्स तो काफी सारे हैं, लेकिन डीप एंड ऑथेंटिक कनेक्शन शायद एक भी नहीं। रिमेंबर,
इंसान ही एक ऐसा क्रिएचर है जो चाहे तो आजाद हो सकता है। इससे पहले कि ये टेक्नोलॉजी हमें गुलाम बनाए, हमें इसको अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। एट द एंड टेक्नोलॉजी का पर्पस हमारी लाइफ को स्मूथ और इजी बनाना है, ना कि डिफिकल्टी और स्ट्रेस क्रिएट करना। ये सारी वैल्यूएबल बातें मैंने आपको ईट दैट फ्रॉग एंड स्लीप स्मार्टर बुक से शेयर किया है। ऑलराइट, मैं तो चला टेक्नोलॉजी को लिमिट करने, और आप भी वही करो।